Marshall Islands, Honorable Prime Minister to America and Washington. प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज़्यादा कोशिश करी और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड नो नेम बनाया है। जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस ने योगा को जाना गया है। ग्यारह हजार 350 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंचने वाले हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। मोदी के वेलकम के दौरान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की झलक दिखेगी। 150 से ज्यादा आर्टिस्ट भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद मोदी उस मंच पर होंगे जहां दुनिया के 193 देशों के 2000 से ज्यादा मेहमान उनका इंतजार कर रहे हैं। ये है यूएन का मंच, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। यही वजह है कि जितनी चर्चा योग दिवस की हो रही है उतना ही जिक्र हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस वक्त मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में हूं और मेरे पीछे जो आप ये बड़ी सी इमारत देख रहे हैं ये यूएन की बिल्डिंग है और यूनाइटेड नेशंस के इसी बिल्डिंग के प्रेमाइसिस में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है योगा डे पर, उसको लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। लेकिन आपको समझना होगा कि जब हम इस न्यूयॉर्क में खड़े होकर आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां पर ये तेज रफ्तार गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपकी नजरें रुकती हैं इस मैनहट्टन में आकर, जहां पर मैन कम है और इमारतें ज्यादा हैं और इतनी ऊंची इमारतें हैं जिनको देखकर किसी को भी लगेगा कि क्या शानदार जगह है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस इमारतों से चकाचौंध से भरी दुनिया में आते हैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत की तस्वीर सामने रखने के लिए, तो अपने आप में ये दौरा इतना ऐतिहासिक नजर आता है जब आप कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान की भावना वसुधैव कुटुंबकम की है और प्रधानमंत्री मोदी इसे विजन के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे समझाया भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आजाद भारत में जन्म लेने वाला पहला प्रधानमंत्री हूं और इसी वजह से मेरे सोचने का ढंग, मेरे काम करने का तरीका, मेरे कहने का अंदाज सब पर मेरे देश के गुणों और परंपराओं का प्रभाव है। मुझे इससे ताकत मिलती है। मैं खुद को और अपने देश को ठीक उसी तरह से दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूं जैसा वो है। मोदी को ये ताकत हिंदुस्तान से मिलती है, हिंदुस्तान की संस्कृति से मिलती है और इसका असर आज न्यूजर्सी से लेकर न्यूयॉर्क तक दिखाई देता है। अमेरिका में रहने वाले 5,40,00,000 लोग ऐसे हैं जो योग और ध्यान बराबर करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3.6 करोड़ अमेरिकी योग करते हैं और 1.8 करोड़ अमेरिकी ध्यान लगाते हैं। यह आंकड़ा अब और ज्यादा विस्तार पाने वाला है क्योंकि मोदी की बातों में वजन भी है और विजन भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका रवाना होने से पहले इंटरव्यू में कहा, हम भारत को किसी अन्य देश के पिछलग्गू के रूप में नहीं देखते, हम भारत को दुनिया की उसकी सही जगह पाते देख रहे हैं। हजारों सालों से भारत वो जगह है जहां सभी धर्मों और विश्वासों के लोगों ने शांतिपूर्व सह अस्तित्व और समृद्धि की स्वतंत्रता पाई है। आपको भारत में दुनिया के हर धर्म के लोग सद्भाव से रहने वाले मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज़्यादा कोशिश करी और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड नो नेम बनाया है, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है, मतलब सब लोग योगा जान गए हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि अमेरिका ईसाइयों का सबसे बड़ा देश है, मगर जब यहाँ सनातन की गूंज सुनाई देती है, सनातन संस्कृति के उत्थान की तस्वीरें दिखती है और अब जब मोदी दुनिया को लीड कर रहे हैं तो हर किसी को उनसे आस दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा, सभी देश को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और देश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए,
विवादों का हल कूटनीति और बातचीत से होना चाहिए, युद्ध से नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं। हम शांति के पक्षधर हैं। दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। पिछले 8-9 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत की तस्वीर वो बना दी है जिसके सामने दुनिया झुकती है। और अगर मैं आपको उसको कंपैरिजन करके दिखाऊं इन इमारतों से, यहां अगर आप देखेंगे तो बहुत सी इमारतें हैं, लेकिन ये जो बीच में चमचमाती इमारत है ये सबसे ऊंची है। इस वक्त भारत का भी रुतबा दुनिया में ऐसा ही है। आसपास के जो देश है, अगर उन्हें आप दूसरी बिल्डिंग्स मान लें, वो उनकी अपनी ऊंचाई है, उनका अपना कद है, लेकिन भारत का कद आज इस सबसे ऊंची बिल्डिंग जैसा हो गया है जिसके सामने सब छोटे और बौने नजर आने लगे हैं। बीते 8 सालों में दुनिया के फलक पर योग का जितना विस्तार हुआ है उतना ही कद बड़ा है हिंदुस्तान का। सांस्कृतिक विरासत के इस गौरव को मोदी बुलंद बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वहां कई मोटिव होते हैं। ये मोटिव हिंदुत्व की तरक्की से जुड़ा होता है तो सनातन संस्कृति के उत्थान का भी होता है। कैसे दुनिया में मोदी की यही नीति साइलेंट मोड पर काम कर रही है ये आपको बताएंगे। मगर पहले उस अमेरिका की बात, जहां पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। दिवाली पर सरकारी छुट्टी घोषित के लिए कानून लाने की तैयारी हो रही है। 2008 में अमेरिका में हिंदुओं की आबादी करीब 11 लाख हुआ करती थी, मगर अब ये दोगुनी होकर 22 लाख से ज्यादा हो चुकी है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का दावा है कि 2025 तक अमेरिका में रहने वाले हिंदू 28 लाख हो जाएंगे। इसी तरह 15 साल पहले जहां हिंदू मंदिरों की संख्या 435 हुआ करती थी, वह अब बढ़कर 1000 हो चुकी है। पीएम मोदी सुपर हीरो हैं इंडिया के, हम लोग सुपर हीरो हैं। हाँ जी, सुपर हीरो हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ के लोग भी है ना, इंडियन लोगों को थोड़ी अच्छे नजर से देखते हैं, अच्छे तबके में है, और बहुत ही हम लोग को उत्साह है कि वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। अमेरिका में योग का डंका बज रहा है, सनातन का प्रचार हो रहा है, और इसी की बदौलत हिंदू आबादी कीर्तिमान गढ़ रही है। अमेरिका में 31 हिंदू स्कूल हैं, जिसमें 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इन स्कूलों में दूसरे धर्म के छात्र भी पढ़ने आते हैं। आंकड़े कहते हैं अमेरिका के प्रवासियों में हिंदू समुदाय साक्षरता के मामले में सबसे आगे है। और मोदी सनातन को संजोने वाले भारतीय समुदाय के बीच जब अमेरिका में होंगे तो स्वाभाविक है बात भारत की होगी, भारतीयता की होगी और भारतीय संस्कृति की होगी। विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सनातन नीति का ब्लूप्रिंट सिर्फ अमेरिका तक नहीं है, वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1 अरब से ज्यादा आबादी ऐसी है जो हिंदुइज्म को जीती है। इसलिए उन्होंने खास कल्चर नीति बनाई है और इसे पड़ोसी मुल्क से लेकर यूरोप के कई देशों तक देखा जा रहा है। हिंदुस्तान के पड़ोसी देश नेपाल चलिए, जहां इस वक्त नेपाल में मोदी के कल्चर कॉरिडोर के 2 हिस्सों का काम हो रहा है। पहला है नेपाल में रामायण सर्किट। रामायण सर्किट में श्री राम से जुड़े 2 स्थलों को अयोध्या से कनेक्ट किया जाएगा। नेपाल के जनकपुर और रामधुनी को अयोध्या से जोड़ा जाएगा। दूसरा है बौद्ध सर्किट। इस सर्किट में भगवान बुद्ध से जुड़े शहरों को एक सीरीज में जोड़ा जाएगा। बिहार के बोधगया से लेकर यूपी के श्रावस्ती से नेपाल के संकिसा, लुम्बनी और कपिलवस्तु को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। इन शहरों को इनके सांस्कृतिक विरासत के साथ विकसित किया जाएगा। इन शहरों को धार्मिक और सांस्कृतिक शहर के तौर पर पहचान दिला जाएगी। 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया तो इसमें कंबोडिया से कनेक्ट किया, और ये था समुद्र मंथन को जीवंत करने वाली इस कलाकृति के जरिए
पीतल से बनाई गई इस कलाकृति की प्रेरणा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से ली गई है, जिसमें पृथ्वी के सृजन से लेकर तत्वों की उत्पत्ति की प्रदर्शित किया गया है। अब इसे संयोग तो नहीं कहा जाएगा कि नई संसद के उद्घाटन के ठीक अगले ही दिन कंबोडिया के राजा नोरोडम सिहामोनि भारत दौरे पर आए। 60 साल में कंबोडिया के किसी राजा का ये पहला दौरा था और मुमकिन हुआ मोदी के कल्चर कॉरिडोर वाले प्रोजेक्ट से। कंबोडिया में हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट भी कंबोडिया में ही है। बुद्ध से जुड़ी कई प्राचीन मंदिर भी हैं। भारत दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश था जिसने कंबोडिया में नई सरकार को मान्यता दी थी। इतना ही नहीं, मोदी ने कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की जीर्णोद्धार का काम भी शुरू करवाया है। लेकिन नाता कैसा होता है आप कल्पना कीजिए। सदियों पहले कोई कन्या अयोध्या से शादी करके कोरिया आई, सदियों बीत गई। सूरी रत्ना की शादी यहां पर किम सुरो के साथ हुई। अयोध्या के राजघराने की बेटी ब्याह करके आई, सदियों पहले आई, और आज भी कोरिया में बहुत से परिवार हैं जो अपने नाम के साथ किम लिखवाते हैं, और वे सारे के सारे, जिनकी तादाद भी लाखों में है, वो सारे के सारे अपने आप को भारत के साथ नाता होने का गर्व करके तक जीते हैं। जानता हूं 125 करोड़ देशवासियों तक इस बात को पहुंचाना, इस काम के लिए हर एक को जोड़ना। मोदी कहते हैं कि वो मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचते हैं। काम कठिन तो है, लेकिन वैसे भी मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मक्खन पर लकीर का। और मोदी के कामों को अगर देखें तो ये बात सच भी नजर आती है। मैं पत्थर पे लकीर करना जानता हूं। इस्लामिक कंट्री बहरीन में प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में अपनी मंदिर डिप्लोमेसी शुरू की। मोदी ने 200 साल पुराने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पुनर्विकास का प्रोजेक्ट शुरू करवाया। इस प्रोजेक्ट में $42 लाख खर्च हुए। ये प्रोजेक्ट भी जल्दी ही पूरा होने वाला है। इस्लामिक मुल्कों के अगुआ यूएई में भी मोदी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अबू धाबी में बहरीन पहले ही हिंदू मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। 2019 में मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी और ये मंदिर फरवरी 2024 में जनता के लिए खुल जाएगा।